आज हम एक ऐसी रेलवे पटरियों की कल्पना करें जिनका कोई आरंभ नहीं और अंत भी नहीं है ऐसी पटरियां जिन्हें हम खिलौने की रेल में देखते हैं इंजन तब तक दौड़ता रहेगा जब तक वे पटरियां हैं जब उसका एक भाग निकाल दिया जाएगा तब इंजन रुक जाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत प्रवाह भी इसी रेलवे की तरह होता है प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए पथ की आवश्यकता होती है ठीक उसी तरह जिस प्रकार रेल को आगे जाने के लिए पटरियों की आवश्यकता होती है इसी ही परिपथ कहा जाता है जब पथ पूरा हो जाता है विद्युत प्रवाह तुरंत उसमें से गुजरना शुरू हो जाता है जब परिपथ खंडित होता है प्रवाह रुक जाता है विद्युत परिपथ के तीन मूलगामी भाग होते हैं ऊर्जा का स्रोत उत्पादन का साधन या यंत्र जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे और तार ऊर्जा स्रोत के रूप में बैटरी या फिर जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है उत्पादन यंत्र के रूप में हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विद्युत का उपयोग करती हो जैसे लाइट लगाना गाना बजाना या फिर मोटर की सहायता से चीजों को हिलाना तार विद्युत प्रवाह को आगे ले जाती है परिपथ में एक स्विच अर्थात बटन लगा होता है जिसकी मदद से हम प्रवाह को शुरू कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं वह परिपथ जिसमें प्रवाह को रोका जाता है उसे अनावृत या खुला परिपथ और इंग्लिश में ओपन सर्किट कहा जाता है जब स्विच अर्थात बटन बंद होता है तब परिपथ के बीच की दूरी नहीं रहती और प्रवाह फिर बहना शुरू हो जाता है इसे बंद परिपथ अर्थात क्लोज सर्किट कहा जाता है घर के सारे बिजली के उपकरणों को समांतर परिपथ में लगाया जाता है हमने इसके बारे में बात की चलिए अब हम पी एच ई टी सिमुलेशन के जरिए श्रेणी और समांतर परिपथ क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं जब परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत उपकरण और मात्र एक ही ऊर्जा का स्रोत होता है तब एक दो मूलगामी पद्धतियाँ हैं जिनके आधार से हम उन्हें जोड़ सकते हैं यह है श्रेणी पद्धति या फिर समांतर पद्धति मान लीजिए हमने तीन बल्बों को एक साथ एक ही परिपथ में जोड़ा है यदि हमने उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा है तब वे इस तरह से जुड़े होंगे कि विद्युत प्रवाह एक के बाद एक उन सभी बल्बों में से गुजरेगा जब हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तब प्रवाह हर एक बल्ब में से गुजरता है जब हम समांतर जोड़ में लगाते हैं तब प्रवाह हर एक शाखा से गुजरता है हम उपकरण को जिस पद्धति से जोड़ते हैं उसका पूरा परिणाम परिपथ के अवरोध पर परिपथ के कुल विद्युत प्रवाह पर और हर एक उपकरण में कितना विद्युत प्रवाह है इन सभी बातों पर निर्भर करता है श्रेणी क्रम परिपथ श्रेणी क्रम जोड़ में हम विद्युत बल्बों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि विद्युत प्रवाह के वहन के लिए एक ही पथ होता है बल्ब भी उसी एक पथ पर जोड़े जाते हैं इसमें शाखाएं नहीं होती यदि हमने एक ही शाखा पर अधिक बल्बों को जोड़ा तब क्या होगा जैसे जैसे हम अधिक बल्ब जोड़ेंगे वैसे वैसे बल्ब की रोशनी कम होती जाएगी ये इस बात को दर्शाता है कि परिपथ में विद्युत प्रवाह कम होता जा रहा है हम जब भी किसी नए उपकरण का समावेश करते हैं तो वह प्रवाह के लिए अवरोध का का काम करता है सोचिए क्या होगा यदि हमने बल्ब निकालकर उसके स्थान पर प्रतिरोधक जोड़ा तो क्या होगा क्या उसका भी वही परिणाम होगा जो बल्ब के साथ हुआ था यदि हमने प्रतिरोध की मात्रा बढ़ाई तो क्या होगा आप देख सकते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम परिपथ या एक रेशीय परिपथ में प्रतिरोध की मात्रा बढ़ाते हैं तब बल्ब की तीव्रता कम होने लगती है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब श्रेणी क्रम परिपथ में अधिक संख्या प्रतिरोधक या बल्ब जोड़े जाते हैं तब परिपथ में बहने वाला कुल प्रवाह कम हो जाता है मान लीजिए कि हमारे रसोई घर के सारे उपकरण श्रेणी क्रम परिपथ में संलग्न हैं। इसी कारण वहां पर फ्रिज शुरू रहने के लिए टोस्टर ओवन डिशवॉशर, कचरा फेंकने की मशीन ओवरहेड अर्थात ऊपर की ओर स्थित लाइट इन सभी उपकरणों का शुरू रहना अनिवार्य है श्रेणी क्रम में एक उपकरण के काम करते रहने के लिए सारे उपकरणों का काम करना अनिवार्य होता है यदि किसी एक के लिए भी प्रवाह खंडित हुआ तो वह सभी के लिए खंडित हो जाएगा इसीलिए यह स्पष्ट है के रसोई घर के सारे उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होते हैं समांतर परिपथ चलिए अब हम तीन बल्ब को समांतर परिपथ में जोड़ते हैं इसी के साथ हम कुछ और बल्ब इन समांतर शाखाओं के बाहर की ओर भी लगाएंगे ताकि हमें अधिक संख्या में बल्ब लगाने से या घटाने से क्या परिणाम होता है यह भी ज्ञात हो क्या होगा यदि हमने एक और शाखा का निर्माण किया और उससे एक और बल्ब जोड़ा क्या इसका परिणाम उन बल्ब पर भी होगा जो समांतर परिपथ की शाखाओं से बाहर हैं जब हम एक शाखा को जोड़ते हैं तब निर्देश बल्ब की तीव्रता बढ़ जाती है समांतर परिपथ में जैसे जैसे बल्ब की संख्या या फिर प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ती है कुल प्रवाह में भी बढ़ोतरी होती है प्रवाह में बढ़ोतरी होने पर कुल प्रतिरोध के कम होने के साथ जुड़ी होती है बाहरी शाखाओं को हम महामार्ग अथवा हाईवे मान लेते हैं गतिमान कार्य प्रवाह हैं कार शुल्क संग्रहण अर्थात टोल गेट पर रुकती हैं यहां पर टोल गेट को हम प्रतिरोधक मान लेते हैं जब एक ही टोल गेट होगा तब समूचे प्रवाह के लिए प्रतिरोध अधिक होगा जब अधिक गेट खोल दिए जाएंगे टोल गेट पर कम संख्या में कार्य रुकेगी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हम अधिक संख्या में टोल गेट खोलें, तो समूचे महामार्ग पर कारों के आवागमन पर प्रतिरोध उतना कम होता जाएगा जब हम भिन्न शाखा पर अधिक संख्या में प्रतिरोधक लगाते हैं तब इसका आश्चर्यकारक परिणाम कुल प्रतिरोध के कम होने में होता है और जब समांतर परिपथ के सॉकेट से कोई बल्ब निकाल दिया जाता है फिर भी समूचे परिपथ में प्रवाह जो कि त्यों बना रहता है और अन्य शाखाओं के प्रवाह में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है यदि हम तीसरे बल्ब को सॉकेट में से निकालते हैं तब उसके परिणाम स्वरूप हमारा परिपथ तीन बल्ब वाले समांतर परिपथ से दो बल्ब वाले समांतर परिपथ में बदल जाता है यदि हमारे रसोई घर के उपकरण समांतर परिपथ में जुड़े हों तो रेफ्रिजरेटर को काम करते रहने के लिए डिशवॉशर टोस्टर आदि सभी को काम करते रहने की आवश्यकता नहीं होगी एक उपकरण को काम करते रहने के लिए अन्य उपकरणों को काम करते रहने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हर एक उपकरण अपनी एक भिन्न शाखा पर होता है इसलिए उस उपकरण को बंद करने का अर्थ उस शाखा के लिए प्रवाह रुक जाना इतना ही होता है ऐसे में परिपथ की अन्य शाखाओं से विद्युत प्रवाह बहता ही रहेगा इसी कारण यह स्पष्ट होता है कि हमारे घर में उपकरण समांतर परिपथ में जुड़े होते हैं सारांश हमने विद्युत परिपथ के बारे में अध्ययन किया और ये भी जाना कि किस प्रकार हम घटकों को श्रेणी क्रम या फिर समांतर परिपथ में जोड़ सकते हैं